नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी हैमर मशीन के बारे में। हैमर मशीन जो कि आप देख पा रहे हैं, इसका मॉडल है दोस्तों PH65। इस मशीन को कंप्लीट कैसे खोलना है, किस टाइप से इसको हमें ठीक करना है और कहाँ कहाँ से खोलना है, किस किस टूल का इसमें यूज़ होना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो कार्बन बूश लगे हुए हैं उसको यहाँ पर खोलेंगे हम। कार्बन बूश की पत्ती खोल देंगे, इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों एक वाशर रबड़ का मिलता है और ये कैप को खोल देंगे और ये देखिए कार्बन इसका ये हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लगभग। इसके बाद में दूसरा जो कार्बन है सेकंड कार्बन को यहाँ पर हम खोल लेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोनों कार्बन बूश हमारे खुल चुके हैं। उसके बाद में जो पीछे वाला यहाँ पर दोस्तों जाली लगी हुई है इसको खोल लेंगे, जिसमें हमारी यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो 4 mm की एलंकी होती है उसका इसमें हमारा यूज हुआ है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ जो हैंडल में दो यहाँ पर एलंकी बोल्ट लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर 5 mm की एलंकी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ये देखिए 5 mm की तपारिया की एलंकी हमने यहाँ पर टी हैंडल के अंदर यहाँ पर वेल्ड कराई हुई है, क्योंकि 0810 में और इस मशीन का जो गेयरबॉक्स के 6 मतलब लगभग 8-10 बोल्ट इसी टूल से खुल जाते हैं, तो काफ़ी जल्दी एलंकी से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने यहाँ पर इसको टी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए गेयरबॉक्स के सभी बोल्ट खोलने के बाद में यहाँ पर देखिए एक पॉइंट होता है, यहाँ से इसको हल्का सा ऊपर उठा लेना है और दो स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे इस टाइप से बड़े वाले और इसको हल्के हल्के ऊपर करेंगे तो ये गेयरबॉक्स का जो कवर है यहाँ पर हमारा निकल गया है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी। ये देखिए गेयर पूरा यहाँ से जो ग्रुप है इसके छोटे वाले गेयर के पूरे ख़त्म है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो रखा है मशीन के अंदर। दोस्तों ये देखिए जो हमारे आर्मेचर के ग्रुप है यहाँ पर आर्मेचर का गेयर के ग्रुप हैं जो बिल्कुल ख़त्म है, और इस गेयर को भी यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेंगे, पूरा नहीं घूमेगा क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट इसकी कनेक्ट है। तो दोस्तों ये यहाँ से एक जो देखिए एक ग्रुप यहाँ पर इसका ये यहाँ से डैमेज है, इसका भी एक ग्रुप डैमेज है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी मतलब ज़्यादा खर्चे वाली बात हो गई, इसको रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, इसको भी हम निकालेंगे। तो चलिए पूरा गेयर इसका दोनों गेयर भी हमें चेंज करने पड़ेंगे दोस्तों, ये गेयर बड़ा वाला भी हमें चेंज करना पड़ेगा, वरना यदि हम रिस्क लेते हैं तो उसमें हमारा आर्मेचर और छोटे गेयर वापस से भी ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, इसको खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑयल वाला बॉक्स है इसको खोलेंगे यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले इसका ध्यान दिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें देखिए 4 mm की जो एलंकी है उसका यूज़ कर रहे हैं हम। ये देखिए तो 4 mm की एलंकी से ये हमारा जो प्लेट है इसकी ऑयल वाले बॉक्स की वो निकल चुकी है, पूरी प्लेट को ही खोलना होगा हमें, और ऑयल को हमने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर निकाल लिया है डब्बे के अंदर, तो ऑयल को रख देंगे साइड में, वापस से काम आएगा। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए 3 नंबर की जो एलंकी होती है 3 mm की, उसका यहाँ पर यूज करेंगे। जो अंदर की तरफ इसमें 4 स्क्रू मिलेंगे आपको 3 mm के, इनको भी खोल दिया है हमने, और ये देखिए जो ये इसकी बत्ती लगी हुई है ऑयल की इसको यहाँ पर निकाल देंगे। इसके बाद में अंदर इसमें दोस्तों ये देखिए 6 mm का एलंकी का जो बोल्ट लगा हुआ है इसको हमें खोलना है, और इसको खोलने के लिए दोस्तों ये देखिए 6 mm की एलंकी जो कि तपारिया की हम यूज कर रहे हैं, और इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा कर 8 नंबर की जो हमारी दोस्तों टी है दोस्तों टी को इस टाइप से फंसा कर आपको और एलंकी को घुमाना है, यहाँ पर इस टाइप से घुमा लेना है। लूज होने के बाद में काफ़ी आसानी से बोल्ट खुल जाएगा, बाकी फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है तो उसके लिए आपको काफ़ी जोर भी लगाना पड़ेगा और काफ़ी टाइट इसको कसना भी पड़ेगा वापस से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है इस बोल्ट के ऊपर। चलिए इसकी प्लेट और बोल्ट को साइड में रख दिया है और मशीन को रख लेंगे इस टाइप से। इसके बाद में चलो आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों आर्मेचर तो इसका नहीं निकला है, बाकी प्लेट हट चुकी है ऊपर से। तो ये देखिए क्रैंक शाफ्ट जो कि जो हमारी कनेक्टिंग रोड है उसके अंदर से निकल कर बाहर आ गई है। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है इसका एक ही ग्रुप ख़राब है, पूरा घुमाकर चेक कर लेंगे और कोई इसमें डैमेज नहीं है, बाकी इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो इसको भी हमें निकालने के लिए चलो देखते हैं, इसको पहले साइड में रखते हैं। सबसे पहले ये समस्या दोस्तों आर्मेचर को कैसे बाहर निकालें, कहाँ से ठोकें। मान लो ये तो हमारा चलो ख़राब आर्मेचर है, बाकी ठीक होता है तो
कैसे निकालेंगे इसको, पीछे से ठोक भी नहीं सकते, कोई जगह नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ड्रिल से, यहाँ पर लगभग हमने ये देखिए 3 सूत का ड्रिल मार दिया है और जिससे यहाँ पर होल हो गया है। और ये देखिए जो शाफ्ट है आर्मेचर की, पीछे से यहाँ से इसको ठोक कर काफ़ी आसानी से हम निकाल देंगे। तो आर्मेचर हमारा ये निकल चुका है दोस्तों, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्मेचर को थोड़ा सा फिजिकली चेक कर लेंगे। यहाँ पर कम्यूटेटर बिल्कुल ठीक है, आगे की तरफ देखिए रगड़ है, कम्यूटेटर फ्रेश है, आर्मेचर बिल्कुल ठीक है वैसे, बाकी ग्रुप की वजह से इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो ये तो दोस्तों देखो काफ़ी बेकार बात है, आर्मेचर सही चल रहा है फिर भी इसे रिप्लेस करना होगा, और कुछ कर भी नहीं सकते इस काम। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए बैरिंग हमारा इसके अंदर ही रह गया है पीछे वाला, जो कि 629 नंबर का है इसमें, और रगड़ इसके अंदर फील्ड के अंदर भी हल्की सी है। स्क्रू भी आपको चेक कर लेना है, कई बार लूज होते हैं, तो ये टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन को साइड में रखते हैं और ये देखिए दोस्तों ये है अब थोड़ा सा टफ काम, तो इसको किस टाइप से निकालेंगे उसको भी देखेंगे। और ये जो गेयर है दोस्तों, ये देखिए छोटे वाला गेयर, इसको भी हम निकाल देंगे। तो ओहो यार ये बहुत समस्या है इसके अंदर, पूरा मतलब लोहे के कण है, तो उसको काफ़ी सावधानी से आपको ग्लव्स वगैरह का यूज़ करना है, मैंने नहीं किया है, कोई नहीं, इसको निकाल देंगे गेयर को। दोस्तों ये देखिए काफ़ी आसानी से दो आपको छेने लेकर इस टाइप से ऊपर की तरफ इसको निकाल देना है, आराम से ये जो गेयर है बॉक्स से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको पूरे को हमें वॉश करना होगा डीजल से, अच्छे से करेंगे इसको बाद में देखते हैं, और बड़े वाले गेयर को निकालेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले। तो ये देखिए सबसे पहले ये लॉक है, इसमें लगभग 18 mm के आसपास का लॉक है, उसको निकाल दिया है। और ये देखिए इसका बैरिंग भी दोस्तों बिल्कुल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए क्रैंक को घुमा घुमा कर इसके नीचे चार, यहाँ पर जो 4 mm की एलिंगी से ही खुलेंगे, यहाँ पर 4 स्क्रू बोल्ट लगे हुए हैं यहाँ पर हमारे 4 mm के, उनको हमने निकाल दिया है। इसके बाद में दोस्तों बाहर ले लेंगे इसको, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें और हैवी मतलब ठोकने पर ये निकलेगा, तो ठोकने के लिए भी सावधानी रखनी होगी पूरी, क्योंकि जो प्लेट है काफ़ी नाजुक है और इसकी जो फिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए वाइस के अंदर इसको इस टाइप से लगा दिया है, वाइस को खड़ा रख लिया है, और बड़े हैमर से यहाँ पर ठोक देंगे इसको। तो ये हमारा बिल्कुल निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसका जो स्पेसर है बीच का वो टूट गया है, तो उसके लिए मैं बताऊँगा क्रैंक हमारी, क्रैंक शाफ्ट, और ये है इसका गेयर। तो वापस से आ चुके हैं अंदर की तरफ, और ये देखिए दोस्तों जो गेयर है हमारा, इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत कराई है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा कट किया है, बाकी निकालने में काफ़ी मेहनत हुई है। और ये जो स्पेसर टूट गया है इसका मैं एक बार आपको वर्क बता देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए बैरिंग सीट के यहाँ लगाने के बाद में ऊपर ये लगता है, जिससे कि बैरिंग के नीचे तक ये जो गेयर है पूरा नहीं जाए, टच नहीं हो, इसकी वजह से यहाँ पर स्पेसर ये लगाया जाता है बैरिंग के बाद में। तो इसको चलो इसका भी कोई जुगाड़ देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए दो इसकी चाबी जो कि गेयर के लॉक है, गेयर को लॉक करके रखती है, स्लिप नहीं होने देती, उसको साइड में रख दिया है। ये प्लेट है दोस्तों जो कि बैरिंग को फिक्स रखती है कवर के अंदर। चलिए बैरिंग को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये बैरिंग भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्ले कर रहा है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। ये देखिए बैरिंग हमारा यहाँ पर निकल चुका है, कवर को यहाँ पर साइड में रख देंगे और बैरिंग को थोड़ा चेक कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रहा है बैरिंग हमारा, तो इसका जो नंबर है यहाँ पर दोस्तों 6205 नंबर का बैरिंग इसमें, काफ़ी मतलब अच्छा साइज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड होता है इसके ऊपर। तो इन दोनों कवर को यहाँ पर हम साइड में रखेंगे, पूरा वॉश भी करना पड़ेगा अच्छे से डीजल से। ये हमारा आर्मेचर है जो कि हम रिप्लेस करेंगे, ये हमारा छोटा गेयर, ये 6205 नंबर का बैरिंग है, ये बड़े वाला गेयर है, और ये कार्बन बूस्ट, काफ़ी ज़्यादा सामान इस मशीन में लगने वाला है। दोस्तों मशीन के अंदर खर्चा हमारा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। इस मशीन को कंप्लीट फिटिंग का वीडियो काफ़ी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी पावर टूल, किसी भी होम अप्लायसेंस की कोई भी रिपेयरिंग वीडियो आपको देखनी हो तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, पूरी नॉलेज के साथ आपको वीडियो मिल जाएंगे। दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।